सो हेलो माई यूरो फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट यश और आज हम लोग खेलने वाले हैं रैंक गेम इन गैरेना फ्री फायर। तो आज का वीडियो बिल्कुल ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिलहाल के लिए मैंने भीमा शक्ति पर लैंड कर लिया है और देखते हैं आगे गेम में क्या होता है, कितने किल्स निकाल पाते हैं और क्या बुआ हो पाता है कि नहीं। तो हमें UMP मिल चुका है और देखते हैं एनिमीज़ कहाँ पर हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। लो भाई, पहला एनिमी तो यहीं पर आ गया, मतलब आ गई। तो एम थोड़ा सही नहीं था, देयरफॉर उसे शॉट नहीं लग पाया, लेकिन ये दूसरा एनिमी, लो भाई बॉडी शॉट पड़ा, वो कॉन्ग बन गया, नो प्रॉब्लम, ख़त्म। सो भाई तू पहली फुर्सत में निकल लॉबी में जाके गेम को रिस्टार्ट कर ले, ठीक है ना, वही तेरे लिए सही रहेगा। तो आगे गेम में देखते हैं क्या होता है। हमें MP5X मिल चुका है और अब लिटरली बंदों को हेड ही हेड लगे। झूठ बोलो, पहले मैं मज़ा ले लेता हूँ। ओके सो अब तो हेडशॉट पे हेडशॉट ही लगने वाले हैं। ओ भाई गया हेडशॉट, हेडशॉट से गया ये एनिमी और ये दूसरा एनिमी आ चुका है, इसे भी हेडशॉट। बार बार झूठ बोलो, मतलब भाई मेरा हर एक MO एनिमी के हेड के ऊपर गया है, हेडशॉट पे हेडशॉट मारा है मैंने। जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सच में। तो यहाँ पर मैं मेडी मार लेता हूँ और आगे देखते हैं गेम में क्या होता है। तो भाई पहले मैं यहाँ लूट लेता हूँ। सो मुझे आसपास कहीं बंदे नहीं दिख रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम। तो ताकि आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी टाइम सेव हो, उसके लिए मैं वीडियो को कट कर देता हूँ और फिर जाके देखते हैं आगे गेम में क्या होता है। 2000 years later सो आई एम बैक और यहाँ मैंने एक बंदे को स्पॉट किया, तो चलो उसे बढ़िया सा एक शॉट दे देते हैं। ओ ये रहा ओ हेडशॉट, भाई साहब क्या हेडशॉट लगा भाई, मजा आ गया लिटरली। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लिटरली मजा आ गया। वैसे अभी मैं कुछ यहाँ पर ट्रांजैक्शंस कर लेता हूँ, खरीदना बेचना आदि इत्यादि सभी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूँ ताकि फिर से हमारा टाइम बच सके। 2000 years later सो आई एम बैक और यहाँ पर मुझे कुछ साउंड आ रहा था, तो लो भाई यहाँ आगे बंदा है। ओ भाई लगा हेडशॉट भाई, मतलब मज़ा आ गया लिटरली। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं स्पीचलेस हूँ बस। और यहाँ पर भाई गंदा वाला फाइट हो रहा। ओ भाई नहीं यार, EWM या Kar98। भाई साहब मेडी मार भाई साहब, चड्डी फाड़ दी भाई बंदे ने लिटरली। जल्दी से मैं मेडी मारता हूँ और पीछे से जाके देखूँगा, पीछे से मैं वार करूँगा, लिटरली मैं मार के फाड़ दूँगा, सही बता रहा हूँ। मुझे AWM का शॉट मारा है किसी ने, कोई बात नहीं, अभी भाई साहब उनको पता लगाऊँगा कि क्या होता है। HS यश भाई का कमाल, उनको अभी दिखेगा। तो भाई साहब आगे देखते हैं कि आगे क्या फाइट हो रहा है, गेम पे फोकस करते हैं, नहीं तो पता चला यहीं पर डिफीट हो जाएगा। आई थिंक ओ भाई पीछे से पड़ रही है। पहले मैं मेडी मार लेता हूँ यार, गंदा वाला मेरा HP कम हो रहा है, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी क्या होता है, सामने बंदा है, ओके वो तो गया शायद, यहाँ पे खड़ा है। लो भाई साहब हेडशॉट, मतलब स्पीचलेस भाई, कुछ नहीं बोलूँगा मैं लिटरली। तो यहाँ पर मैं कोस्टिलावा में आ चुका हूँ और देखते हैं आगे गेम में क्या होता है। यहाँ पर भाई साहब मैं UAV में एक बंदे को अपने पास ही कराऊँ। लो भाई यहाँ पर है वो बंदा, ओ पड़ रहे, अरे भाई ये क्या डैमेज दे रहा है भाई MP5, लेकिन भाई बॉडी डैमेज से ही इसको ख़त्म कर दिया है मैंने, हेडशॉट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा प्रो हूँ यार, मैं सच बता रहा हूँ मैं बहुत प्रो हूँ। अब भाई आप लोग बोलोगे कि यार आप तो खुद की तारीफ कर रहे हो, यार मजाक कर रहा हूँ, मैं कोई प्रो नहीं हूँ। यार देखो प्रो और नूब बात की बात है, गेम खेलना आता है तो ठीक है, वो सब तो बात की बात है। प्रो और नूब, यहाँ पर मैं अपना प्रो पंती या नूब पंती दिखाने नहीं आया हूँ, बस अपना गेम प्ले दिखा रहा हूँ। और लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, बिकॉज़ यार वी नीड सपोर्ट यार, ताकि हम लोग और फर्दर फ्यूचर में वीडियोज़ डाल सकें। सपोर्ट नहीं करोगे तो यार घंटा वीडियोज़ आएंगे, देयरफॉर सपोर्ट अस। और यहाँ से इसी तरह से गेम प्ले आते रहेंगे। और टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट भर दो यार, तुम लोग कमेंट को ना भर दो, लिटरली स्पैमर्स नहीं दिखने चाहिए और कमेंट को तुम भर दो, जो कमेंट करना है कर दो। और अगर टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस चाहिए तो जैसे कि हेडशॉट कैसे मारे, ड्रैग हेडशॉट, वन टैप हेडशॉट, तो ज़रूर नीचे कमेंट करो, वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे आगे बढ़ते हैं, आगे घूमते घूमते मैं हैंगर की तरफ बढ़ चुका हूँ और यहाँ पर मैं वेंडिंग मशीन से कुछ टोकन्स एक्सचेंज शायद करने आया हूँ, एग्जैक्टली तो कुछ कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं गेम में क्या होता है और अगर बोर हो रहे हो
तो काट देता हूँ वीडियो, वही सही रहेगा, टाइम बचा देता हूँ। तो सामने एक बंदे को मैंने स्पॉट किया है उस घर के अंदर। देखो भाई, बाहर निकला, ग्लोअर लगाया सामने। भाई एनिमी कहाँ है और ग्लोअर कहाँ? ओ भाई साहब, पट से हेड शॉट फिर से। और का भाई कितना गंदा वाला है, इसका हेड शॉट पड़ा है। मतलब देखो इस बंदे को, हम साइड से आ रहे थे और इसको लगा कि हम सामने से आएंगे, एंड देयर फॉर ये सामने ग्लोअर लगाया। तो भाई एक स्ट्रैटेजी तो मैं गेम प्ले के साथ ही दे सकता हूँ कि अपना पोजीशन हमेशा चेंज करते रहो। पहली बार जब उस बंदे ने मुझे देखा था तो वो मैं सामने था उसके, इस पत्थर के पीछे था शायद, लेकिन इसलिए उसे लगा कि मैं अभी भी पत्थर के पीछे ही हूँ और वो सामने ग्लोअर लगा रहा है। लेकिन मैंने अपना स्ट्रैटेजी को अपनाया, मैंने अपने पोजीशन को चेंज किया और फिर जाके पीछे से आकर मार दिया। फिलहाल के लिए मैंने इसे इमोट दिखा दिया है, भाई तुम अच्छा खेले, तो एक क्लैपिंग इमोट दिखा दिया है इसे। लेकिन मैं वही अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहा हूँ तुम्हें कि भाई हमेशा पोजीशन चेंज करके बंदों को मारने की कोशिश करो, मतलब बंदों को कंफ्यूज करो। अब देखो सामने एक बंदा खड़ा है, अब उसे गंदा वाला ऑक का हेडशॉट ही पड़ेगा, देखना। ओ भाई साहब, बंदा सा हेडशॉट, मतलब हेडशॉट तो पड़ा भाई, अब कुछ भी कहें, बंदे एक्टिव नहीं इस गेम में, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वही बता रहा था मैं कि पोजीशन को हमेशा चेंज करते रहो और आगे देखते रहो। गेम प्ले के साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी लाते रहेंगे और बस सपोर्ट करते रहो। बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले, अभी तो धूम मचने वाला है चैनल के ऊपर, बस सपोर्ट करते रहो। तो आगे देखते हैं गेम प्ले के अंदर क्या होता है। पहले मैं एक यूएवी छोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई सिचुएशन कैसा है पता है, 2v2 वाला सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, और बूया हो पाएगा कि नहीं वो देखते हैं आगे। लेकिन जैसा मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि गेम प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी देखते जाओ क्या होने वाला है। अरे यहाँ पर एनिमी मैंने स्पॉट कर लिया अपने यूएवी की मदद से। भाई ग्रेनेड तो पीछे ही आ रहा है यार, भागो 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 भागो। तो भाई ग्रेनेड यहाँ मार देता हूँ मैं पहले। अरे यार मेरा एम बहुत ख़राब है, सही बता रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ नेदर मारते हुए, और देखते हैं वो रही एनिमी सामने। सही है, ऊपर डैमेज ग्लू वॉल। भाई साहब देखो 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 देखो, भागो भागो भागो। सेफ जोन भी आ रहा है, यहाँ से पहले निकल लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले पोजीशन चेंज कर लेते हैं। भाई यही तो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, पोजीशन को भाई ज़रूर चेंज करना है, एक ही पोजीशन में खड़ा नहीं रहना है, पोजीशन को चेंज करते रहना है। तो देखते हैं आगे गेम में क्या होता है। सो यहाँ पर मेरे पास एक लाइट हाउस है, तो मैं इसे फेंकता हूँ। और एक और टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको देना चाहूँगा, जब भी आप ग्रेनेड या लाइट हाउस इस तरह के कुछ भी जो है फेंकने वाले मटेरियल्स, उसको जब आप फेंकें तो कूद करके फेंकें, वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा टिप था जो आप फॉलो कर सकते हैं कि जब आप एनिमी थोड़ा डिस्टेंस पे हो और उसे ग्रेनेड से फिनिश करना चाहते हो तो आप उसे कूद करके फेंकें। हालांकि मेरे से फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन ये काम करता है आई नो। तो उससे ग्रेनेड या जो भी आपका फ्लैश बैंग है वो दूर तक जाने वाला है, तो ये काफ़ी सही है। आगे देखते हैं गेम में क्या होता है। अभी तक तो वो कहीं पर छुप गई है, तो मैं पहले ही जाके सेफ जोन में जाके बैठ जाता हूँ। तो भाई यहाँ से भी एक और टिप निकलता है। क्या टिप निकलता है कि जब भी आप गेम खेल रहे हो तो कोशिश करिए कि सेफ जोन के अंदर पहले ही आ जाए, जो अपकमिंग सर्कल है उसके अंदर पहले ही आ जाए। उससे क्या होगा कि जो भी जोन देखे, जैसे कि वो बंदी है वहाँ पे, देखो कैसे पिक एंड फायर कर रही है, और मैं पहले ही जोन में हूँ, जोन श्रिंक करेगा, उसे भाग के आना पड़ेगा, उसे हेडशॉट लगेगा और वो ख़त्म, वो तुम्हारे ऊपर रश करेगा और तुम उसे हेडशॉट मार के ख़त्म। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप तुम पहले ही जोन के अंदर आ जाओ, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल के लिए मैं देखो कूद कर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बंदी बाहर निकल रही है। तो भाई साहब यहाँ पर मैंने उसे इमोट भी दिखाया है गंदा वाला, तो देखते हैं ये लो भाई। ओ नहीं भाई, मैं किससे मार रहा हूँ? ऑग से। अरे भाई ग्लूअर लग जा। अरे यार नेट मेरा। ओ भाई यार मैं हार गया, लिटरली मैं हार गया, मैं ऑग मार रहा था यार, लिटरली मैं हार गया भाई साहब। देयरफॉर कहते हैं भाई, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए नूब पर्सन।